नमस्कार मित्रों, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। कॉलेज परीक्षाओं पर MHRD मंत्रालय यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का इस वक्त का बड़ा फैसला। छात्रों को प्रमोट करने पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। साथ ही कॉलेज परीक्षाओं पर सरकार का बड़ा ऐलान इस वक्त हो चुका है। तो संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय परीक्षाओं के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ HRD का यहाँ पे बड़ा ट्वीट किया गया है। ग्रेडिंग कोड बे एक कंपोसाइट ऑफ द 50% मार्क ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल एवोल्यूशन एडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटीज एंड द रिमेनिंग 50% मार्क्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस ईयर सेमेस्टर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ये की गई है, यदि जुलाई तक कोई स्थिति सामने नहीं होती है तो आपको प्रमोट किया जाएगा, और प्रमोट इस आधार पर किया जाएगा आपके पिछले सेमेस्टर के 50% और आपके 50% कॉलेज की तरफ से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको प्रमोट किया जाएगा यदि जुलाई में स्थिति सामने नहीं होती है। और ये बात लागू होती है केवल फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के लिए। फाइनल के लिए यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के लिए लागू होगी। फाइनल का तो एग्जाम चाहे किसी प्रकार से हो लेकिन उनका तो एग्जाम होगा ही होगा। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर विद्यार्थियों के लिए यदि जुलाई के अंदर स्थिति सामने नहीं होती है तो आपको 50% पिछले सेमेस्टर और 50% आपको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आपको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर में पिछले साल के कोई उनके मार्क्स नहीं है तो उनको 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही उनको पास किया जाएगा। तो इस वक्त की एक बड़ी अपडेट आ रही थी MHRD के द्वारा, और ये यहाँ पे लेटर भी जारी किया गया है, यानी जो सेफ्टी को ध्यान में रखते छात्रों, इसके कारण ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।